बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज होम। सो आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, कि हम इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करेंगे। पहले हम उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन सीट जो है ना वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें पांच मेथड है, टाइप वन है, टाइप टू है, टाइप थ्री है, टाइप फोर है एंड टाइप फाइव है। तो हम आज डिस्कस करने वाले है टाइप वन, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे साथ ये एक क्वेश्चन जो है ना, ये टॉपिक जो है ना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये हम पांच तरीकों से कर रहे हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थर्ड, टाइप फोर एंड टाइप फाइव, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स की पावर 4 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म है, अगर इक्वेशन इस तरह हो कि उसका पावर क्या हो, 4 हो, हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या हो, 4 हो, मतलब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो वो हम किस तरह करेंगे, उसका मेथड कुछ इस तरह है। लेट्स सपोज दिस इज मेथड वन, एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम बनाएंगे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। इसमें लेट इसमें देखें, एक्स स्क्वायर जो है ना ये हम इक्वल लेंगे वाई की, लेट परस करें हम एक्स स्क्वायर जो है वाई की इक्वल लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड कंडीशन है। देन इससे हम थर्ड इक्वेशन बनाएंगे, एक्स स्क्वायर एंड हो दिस इज टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर टू टू और 4 एंड वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे साथ बन गया थर्ड इक्वेशन। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये थर्ड और सेकंड इक्वेशन जो है इस इक्वेशन में फुट करेंगे, तो ये खुद ब खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और इससे फिर हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर वाई की वैल्यू जो है हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम इस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह और ज्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 12x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन किस तरह है, 12x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब टाइप वन जो है ना हमें यूज करना है, टाइप वन मेथड हमें यूज करना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दिस इज इक्वेशन सेकंड। एंड अब इस ये इक्वेशन सेकंड जो है ना इस पर स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर, थोड़ा डिटेल में कर रहा हूं, पावर के ऊपर एक आर पावर है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा, टू टू आर 4 बन जाएगा एंड वाई की पावर 2 बन जाएगा, दिस इज इक्वेशन सेकंड थर्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन जो है ये हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 12 तो कोएफिशिएंट है, ये अपनी जगह सेम रहेगा, ठीक है। 12 एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 जो है ना ये हम ये इक्वल है वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो एक्स की पावर 4 की जगह वाई स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, ये इक्वेशन है। फिर माइनस है, फिर 11 है एंड एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे वाई, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई की इक्वल है सेकंड इक्वेशन में। प्लस 2 अपनी जगह सेम इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें हम फैक्टराइजेशन के तरीके से वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर वो वाई की वैल्यू जो है हम एक्स की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो बाई फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन किस तरह करना है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 24 आ जाता है, और 3 को 11y को 2 टर्म्स में चेंज करना है कि मल्टीप्लिकेशन से 24 आ जाए और एडिशन से 11y आ जाए, ठीक है। 12y स्क्वायर, तो ये हम किस तरह कर सकते हैं, 12 और 24y स्क्वायर, ठीक है। अब 24 बनाना है, तो ये कुछ इस तरह आ सकता है, 3y
माइनस 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 12y स्क्वायर एंड 3y, इसमें क्या कॉमन है, 3y कॉमन है, ठीक है, 3 4 और 12 y रह जाता है, माइनस 1 इधर रह जाता है, 3y कॉमन है, ठीक है, यानी इधर हम क्या कॉमन लेंगे, 2 2 4 और 8 y रह जाता है, एंड माइनस और माइनस इधर प्लस बन जाएगा, ठीक है, एंड 2 1 और 2, ये दोनों फेयर जो है ना ये इक्वल होना चाहिए, 4y माइनस 1 4y माइनस 1, अगर ये इक्वल ना हो तो फिर क्वेश्चन गलत होगा। और ये अक्सर लोग कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स में जब मेथड सही हो तो मार्क्स में ज्यादा, ये बात तो सही है, लेकिन जब मेथड सही हो तो आंसर भी सही आ जाएगा, ठीक है, आंसर भी सही होना चाहिए फिर। एंड एक वाई थ्री वाई एक कॉमन है टर्म्स, और सेकंड जो है माइनस टू कॉमन है, एक फेयर ये बन जाता है 3y माइनस 2, एंड सेकंड फेयर 4y माइनस 1 4y माइनस 1, इससे कॉमन लेंगे 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक अब दोनों 0 की इक्वल है, सेपरेट करते हैं 2y इज इक्वल टू 0, सो 3y इज इक्वल टू 2, शिफ्ट कर हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ये प्लस 2 बन जाएगा, एंड y 3 जो है y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हम डिवीजन पर खत्म करते हैं, डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3 y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3, एंड इधर 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू प्लस 1, ये 1 इधर आके प्लस बन जाएगा, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 डिवाइडिंग बाय 4, तो y की वैल्यू एक 2 बाई 3 एंड सेकंड 1 डिवाइड बाई 4। अब हमें ये वैल्यू जो है ना y की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में फुट करेंगे, ठीक है, ताकि ये x में कन्वर्ट हो जाए। इक्वेशन सेकंड जो है ना कुछ इस तरह है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सो पुट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ये सेकंड में फुट करते हैं, y की वैल्यू क्या है 2 बाई 3, ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड में y मौजूद है, y की जगह हम 2 बाई 3 फुट करते हैं, ठीक है, अब हमें x स्क्वायर मालूम नहीं करना है, हमें x मालूम करना है, ठीक है, तो x पर स्क्वायर ये खत्म करेंगे रूट पे, ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है, 2 भी इरेशनल नंबर, 2 रूट एंड 3 रूट भी इरेशनल है, ठीक है, तो ये इसी तरह रह जाएगा, एंड सेकंड वैल्यू क्या है, फोर्थ एंड इक्वेशन सेकंड, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की जगह 1 बार 4 फुट करेंगे, फिर रूट यहां भी लेंगे एंड यहां भी लेंगे, ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 आ जाता है प्लस माइनस, तो चलो सॉल्यूशन सीट जो है ना, सॉल्यूशन सीट आ जाएगा प्लस माइनस 2 बाय 3 रूट एंड प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2, इस तरह भी लिख सकते हैं, सेपरेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये है टाइप 1 मेथड जिस पर हम सॉल्यूशन सीट जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 1.2 में, 1.2 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है इस मेथड पर, हम इस मेथड पर हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 1.2 एक्सरसाइज में, तो ये भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्स पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉल्यूशन, सो एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बनाएंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इक्वेशन 2, फिर थर्ड इक्वेशन भी बनाएंगे, एंड एक्स की पावर 4 इक्वल लेंगे वाई स्क्वायर के, टेकिंग स्क्वायर, इस पर जब हम स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 बन जाता है एंड ये y स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, ये इस इक्वेशन से आ सकते हैं, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर। अब देखें फोर दिस इज इक्वेशन थर्ड, फोर्थ इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड एंड इक्वेशन पास्ट, फर्स्ट में फुट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स की पावर 4 की जगह हम फुट करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 5 अपनी जगह, एक्स स्क्वायर की जगह हम फुट करेंगे वाई प्लस 4
एस इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब हम बाई फैक्टराइजेशन ये सॉल्व करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। y की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, बाय फैक्टराइजेशन, 4 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4y स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। माइनस पाई ऑफ y को 2 टर्म में चेंज करना है ताकि मल्टीप्लिकेशन से 4y स्क्वायर आ जाए और एडिशन से पाई ऑफ y आ जाए, ठीक है। माइनस y माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4y और माइनस पाई ऑफ y जब हम ऐड करते हैं तो पाई ऑफ y आ जाते हैं, माइनस y सॉरी दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 4y स्क्वायर। अब कॉमन लेंगे y स्क्वायर और y से y कॉमन, तो y माइनस 1 रह जाता है, माइनस 4 तो y माइनस 1 इधर भी रह जाता है, ठीक है। अब y कॉमन है, माइनस 4 कॉमन है एंड y माइनस 1 कॉमन है इज इक्वल टू 0, सो y की वैल्यू बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं इधर, और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y minus 1 is equal to 0, so y is equal to 1 and y is equal to 4, एक y की वैल्यू 4 आ गई एंड सेकंड y की वैल्यू 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू जो है x में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हम फुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, फुट y is equal to 4 एंड इक्वेशन सेकंड, सेकंड में फुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है, x square is equal to y, तो y की जगह हम 4 फुट करेंगे, ठीक है। अब हम इसी तरह नहीं छोड़ेंगे क्योंकि x पर स्क्वायर है, ये खत्म करना है हमें, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर ये खत्म हो गया, x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 रूट से पहले हम प्लस माइनस लेते हैं ताकि इंटीजर नंबर जाहिर हो, ठीक है। इंटीजर नंबर की वजह से हम प्लस माइनस लिख सकते हैं, तो 4 जब हम रूट से निकालते हैं तो 2 आ जाता है, ठीक है, प्लस माइनस 2। एंड सेकंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y की वैल्यू सेकंड क्या है, 1 है, फुट y इज इक्वल टू 1, सो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो सॉल्यूशन सीट प्लस 2 सॉरी ये इस तरह भी लिख सकते हैं हम, माइनस 2 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 प्लस नहीं लिख सकते, प्लस 2 के साथ 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन सेट। सेकंड की तरफ मूव करते हैं, x के पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है। सॉल्यूशन ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तीन इक्वेशन बनाएंगे इसमें, दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब आप लोगों को मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, दिस इज इक्वेशन सेकंड, एंड जब इस पर स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 बन जाता है एंड y स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन पुट, ये यहां लिखेंगे पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में फोर्ट करेंगे, एक इक्वेशन सेकंड है एक थर्ड है, ये दोनों जो है ना फर्स्ट इक्वेशन में फोर्ट करेंगे, x की पावर 4 की जगह हम फोर्ट करेंगे y स्क्वायर माइनस 7, x की स्क्वायर की जगह हम फोर्ट करेंगे y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड पे 12 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 2 टर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, सो y कॉमन लेंगे, y माइनस 3 आ जाता है, माइनस 4, सो y माइनस 3 इधर भी आ जाएंगे, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस 4 3 और 12, ठीक है, सही है। y माइनस 3 ये है, y माइनस 3 ये सेकंड भी है, y माइनस 4 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो y माइनस 4 भी 0 की इक्वल है एंड y माइनस 3 भी 0 की इक्वल है, तो y की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4। तो y की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, अब हम ये पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन पुट y इज इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन सेकंड y की वैल्यू 4 है, ये हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, x square is equal to y, x square is equal to 4,
अब हमें स्क्वायर खत्म करना है, ठीक है, x से ये हम इसी तरह नहीं छोड़ सकते, हमें स्क्वायर x स्क्वायर नहीं मालूम करना, हमें x मालूम करना, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर तो ये खत्म हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू इधर प्लस माइनस 2 आ जाएगा एंड सेकंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड सेकंड वैल्यू ऑफ y इज 3, सो पुट y वैल्यू y की जगह हम 3 पुट करेंगे टेकिंग स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट, 3 रूट इरेशनल नंबर है, ये हम रूट से निकाल नहीं सकते पूरी तरह, ठीक है। तो सॉल्यूशन सीट, सॉल्यूशन सीट किस तरह आ जाएगा, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 रूट, ठीक है, ये हो गई, ये बन गई हमारी सॉल्यूशन सीट। ओके गाइस, क्वेश्चन थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन किस तरह है, दिस इज ओके गाइस, क्वेश्चन थर्ड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन एंड ये थर्ड इक्वेशन। अब ये दोनों जो है ना सेकंड थर्ड फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है, सो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 की जगह हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर एंड 13 के साथ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर इक्वल है वाई के, तो ये पुट करेंगे। अब हमें फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, 5x और 13, तो 13 में 2 टर्म में चेंज करना है ताकि एडिशन से 13 वाई आ जाए एंड मल्टीप्लिकेशन से 30 आ जाए, तो ये हम इस तरह लिखेंगे 10 3 और 30 माइनस 13 सॉरी माइनस 3y माइनस 10y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे 3y कॉमन है दोनों में, पहले दोनों में 3y कॉमन है, 3 2 और 6 y रह जाते हैं, इधर 1 रह जाते हैं, माइनस 5 कॉमन लेंगे 5 2 और 10 माइनस इधर लिखेंगे माइनस और माइनस ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, सो 3y माइनस 5 एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो दोनों 0 की इक्वल है, तो डायरेक्ट में y की वैल्यू निकाल सकता हूं, यहां y इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 3 एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। डायरेक्ट इसलिए निकाली क्योंकि हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है ना ये हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, 14 सेकंड, सो सेकंड इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू y इक्वल है, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह हम पुट करेंगे 5/3, यहां भी रूट लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए, ठीक है, एंड सेकंड ऑप्शन सेकंड राइट साइड पे भी लेंगे 5 डिवाइड बाय 3, ये रूट ना हम 5 रूट से निकाल सकते हैं ना 3 इरेशनल नंबर बन जाते हैं, ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है, इधर 1 डिवाइड बाय 2 है, यहां भी रूट लेंगे एंड यहां भी रूट लेंगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 रूट से निकाल सकते हैं हम, लेकिन 2 नहीं, 2 इरेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट किस तरह आ जाएगा, प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 3 रूट एंड प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2 रूट, ठीक है, ये है हमारी सॉल्यूशन सेट। तो ये था हमारा पहला टॉपिक और इस पर हम 3 क्वेश्चन और एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं। ओके गाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच।